वेलकम टू आरएस कमेंट शॉप। आज का वीडियो रे आमे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे आसीथिबा प्रीवियस ईयर रे हमर जो अरिथमेटिक सेक्शंस कोन करबा आमे डिस्कशन करबा कंप्लीट डिस्कशन करबा। तुमर एटा 100 मार्क्स आसीला तुमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे, टाइम तुमर रहइबो 1 आवर रहइबो। आमे ता बिषय कोन करबा सेई क्वेश्चन को आमे 1 बाय 1 कोन करबा सॉल्यूशन करबा। देखो स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोई द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज कहते 16 एंड 96, वन ऑफ द नंबर इज 24, देन व्हाट इज द अदर नंबर। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। तुमको मुझे जब एलसीएम एंड एचसीएफ कौन करी कन्सेप्ट क्लास करी ये टाइप र क्वेश्चन को कमी सल्व कर जाए तुमको कही यार गोटे फर्मुला अच्छे से फर्मुला को जी कौन कर मन रखी थी से कौन कर क्वेश्चन को बहुत इजिली सल्व कर तुमको फास्ट कह। देख फास्ट देख आम दुटा नंबर सपोज आम तुमको फास्ट बुझे सपोज आमको लेट फर्स्ट नंबर को आम ना एक्स आ सेकंड नंबर को ना वाई। आम जानना आम बाहर कौ दुटा नंबर अच्छे कितु गोटे नंबर आमको देते सपोज एक्स रैल्यू आमको देते 24 से क्वेश्चन आमको 24 दे आमको मागिजी सेकेंड नंबर टा आमको मागिजी कौन करने फाइन करने से आम कौन कर मागिजी। क्लीयर देख फास्ट आम लिखिद कौन कौन आमको गिवेन दे फास्ट कौन कही आमको एच सी एफ दे आमको क्वेश्चन एच सी एफ आमको कैसे कहते 16 कही आमको एलसीएम कैसे कही 96 आमको कौन करिवेन दे आमको फास्ट नंबर आम क्या नहीं एक्स को नहीं थे एक्स रैल्यू आमको कैसे दे 24 आमको गिवेन दे आमको मागिज वाई रैल्यू कैसे क्लीयर एति आमको से क्वेश्चन मागिज। बट तुम्हें सब वाले मन रख गोटे गोल्डन फर्मुला यही टाइप क्वेश्चन को सल्व करने तुम सब वाले तुम जान ना कौन ना प्रडक्ट अफ एच सी एफ एंड एलसीएम इज इक्वाल टू नंबर अफ टू प्रडक्ट कौन कहली क्या बुझे ना मैं दुटा नंबर प्रडक्ट सब इक्वाल क्या सहित हुए ना से नंबर एच सी एफ एलसीएम सहित प्रडक्ट सहित कौन हुए इक्वाल हुए। क्लीयर बुझेगा लिखा ये कौन लिखा ना लिखा प्रडक्ट अफ एलसीएम एंड एच सी एफ इज इक्वाल टू आ प्रडक्ट अफ टू नंबर तार कौन फर्मूला कौन कहली आउ थ तुम भलसे मन रख प्रडक्ट अफ एलसीएम एंड एच सी एफ इक्वाल हम क्या सहित प्रडक्ट टू नंबर सहित इक्वाल हम आम जानते एच सी एफ आम के आम लिखिद कौन एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वाल टू क्या सहित एक्स इंटु वाई सहित इक्वाल हम एक्स रैल्यू आम क्वेश्चन देखिए फास्ट नंबर एक्स मैंने फास्ट नंबर वाई मैंने सेकेंड नंबर तेना एच सी एफ रैल्यू आम क्वेश्चन आमको देखिए कैसे 16 आ एलसीएम रैल्यू कैसे कही 96 इज इक्वाल टू फास्ट नंबर आमको देखिए एक्स रैल्यू कैसे नहीं 24 आमको वाई रैल्यू मागिचे तेने वाई इज इक्वाल टू कौन बाहर ना 16 इंटु 96 डिवाइड बाय 24 तेने के कह मत 8 काटिद 8 काटले कैसे 3 8 काटले 2 ओके 3 ले काटने के हम 3 9 3 2 तेने 32 इंटु के हम 2 हम तेने वाई रैल्यू कैसे हम 64 के 64 है आम फास्ट नंबर के फास्ट नंबर आम पाई के 24 फास्ट नंबर आमको थी मैंने क्वेश्चन आ सेकंड नंबर आम फाइंड के 64 क्लीयर तुम्हें ये भी तुम कौन कर भेरीफाई करदेव कमी भेरीफाई कर देख पे मैंने मुझे कौन एच एफ एंड एलसीएम प्रडक्ट क्या सहित इक्वाल हम ना टू नंबर सहित प्रडक्ट सहित इक्वाल हम तो देखी दि 16 इंटु 96टा के हम मत कह यहाँ आम 24 इंटु 64 सहित इक्वाल हो कि ना तुम देखी दि कौन प्रूफ कर मैंने तुम देखीद देख 16 इंटु 96 के 1536 यहाँ भी मन हो 24 इंटु 64 के 1536 क्लीयर बुझीगल ना समस्ते ताने मुझे ये टाइप क्वेश्चन को तुम कौन कर यो मेथड मुझे तुमको कहली जो फर्मूला ये तुम कौन कर मन रख क्लीयर एवं जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन बुझीगल समस्ते क्लीयरली। देख सेकेंड क्वेश्चन करवा सेकेंड क्वेश्चन कौन कह देख देख कह एथ सालरी इज 20% लेस देन बीथ सालरी देन व्हाट परसेंट बीथ सालरी इज मोर देन द एथ सालरी। देख ए कह 20% लेस कह ठार बीथ सालरी सहित कौन कह लेस कह बट बीथ सालरी इज बीथ सालरी इज मोर देन एथ सालरी। देख आम फास्ट लिखा कौन लिखा ना लिखा एथ सालरी इज 20% कौन कही लेस कौन कही लेस कही देन
with salary am gota question namku given deiche tane mate ko 20% ro fraction value keta hobo mate ko 20 by keta hobo 100 hobo mate ko further likhi pare kete 1 by keta likhi pariba 5 likhi pariba keta likhi pariba 1 by 5 likhi pariba clearly bujha mu ja kuch 20% le fraction value keta hala 1 by 5 hala clear tapar mate ko se koi chi less koi chi tane mate ko eta se less koi chi tane eta hala kon original eta hala tar result eta hala tar original value एटा रिजल्ट भेलो से कोइ जे 20% लेस कोइ का ठर कोइ जे बीस माने बिठर कोइ जे तना आमे लिखि दबा ए आउ बी लिखि दबा कोन लिखिबा ए आउ बी लिखि दबा तने जदी बी रो जदी हमरो 5 होबो तने ऑब्वियसली एर केत होबो 4 होबो काहे कि 4 होबो पिला माने ना ठीक छे ऑलरेडी कोइ जे 20% लेस कोइ जे तने 5 रो 20% ला 1 जदी हम लेस करियो तने ए केत होबो 4 होबो बी केत होबो 5 होबो तापर कोइ जे व्हाट परसेंट बी इज सैलरी जी मोर देन ए सैलरी ताने मते को बी कते प्लस 1 इंक्रीज तान लिखि दबा आ परसेंटेज ऑफ कोन लिखिबा आ परसेंटेज ऑफ बीट सैलरी मोर देन ए एज सैलरी ताने गत मते को ताने को लिखि परिया बी कते इंक्रीज ने एक इंक्रीज का परै छि ए परै छि बी रे इंक्रीज हला 1 से का परै छि ए पर इंक्रीज होइ छि इज इक्वल टू कोन करा इनटू करिया गत 100 करिबा ताने 25% हमर कोन हिजबो करेक्ट आंसर हिजबो म तने आउ थरे कहू छी तमकु भलसे बुझाय चेष्टा करियो काहे ना एज सैलरी इज 20% लेस देन द बीट सैलरी 20% जदे हम ताको फ्रैक्शन ले लिखिबे त 1/5 लिखि देबा सेई भलिया आमे ए ओ बी रो कोन करिबा दी रेशियो कोन करिबा क्रिएट करिबा तने जदी ए ओ बी रो जे हम कोन करिबा रेशियो क्रिएट करिबा तने जदी सपोज बी रो वैल्यू हला जदी 5 तने ए रो वैल्यू केत हो डेफिनेटली केत हो 4 हो काहे कि 4 हो ना 20% कोन हिजी लेस हिजी का थारु ना बी थारु से कोन हिजी 20% से कोन हिजी लेस हिजी बट एटी क्वेश्चन ले कोई छी बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी बी ए थारु केते परसेंट अधिक ऑब्वियसली केते परसेंट अधिक क्लियर अब जे नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा समझते क्लियर देखो तीनों क्वेश्चन कोन कोई छी भलसे केयरफुल कोन को रीड करो फर्स्ट कोई छी एन आर्टिकल इज मार्क अप 40% एवर अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड एट द डिस्काउंट 30% व्हाट इज द गेन एंड और लॉस परसेंट देखो से कोई छी कोला गुटे आर्टिकल को हम कोन करबा तापर मार्कअप करिया केते परसेंट करबा 20 40% कोन करिया हम ताको मार्कअप करिया कॉस्ट प्राइस ऊपर क्लियर तापर कोई जी डिस्काउंट हमें दबा 30% कोन करबा डिस्काउंट दबा तापर हमरो प्रॉफिट होबे कि लॉस होबे कोन करबा हमें सेटा फाइंड करबा क्लियर देखो एबे करिया कोन तीनो क्वेश्चन करबा तीनो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन कोई छी आउ थरे को तुम कोई छी पढ़ी के देखो कोई छी एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड डिस्काउंट 30% व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज केमते कोन करबा फाइंड करबा देखो हमको फर्स्ट कोन कोई छी कॉस्ट प्राइस रो कोई छी 40% कोन कोई छी मार्कअप कोई छी हमें कोन करबा एठी कॉस्ट प्राइस को हम सपोज लेट नबा माने मने कर नबा लेट सीपी सीपी नबा 100 नबा केत नबा 100 नबा कोन नबा 100 नबा सीपी जदी हमें 100 नबा तान हमर ऑब्वियसली हमर मार्केट प्राइस बा एमपी ताको शॉर्ट रे लिखिबा केत हबो 40% एब हबो कॉस्ट प्राइस थारो तान जदी यार 40% जदी एब हबो तान ऑब्वियसली मार्केट प्राइस केत हमर हबो 140 हबो ऑब्वियसली काहे से क्वेश्चन ले कोइ छै एन आर्टिकल इज मार्कअप 40% एब हबो द कॉस्ट प्राइस तान कॉस्ट प्राइस रे हमें कोन करियो 40% एब हबो रे ताको मार्कअप करियो क्लियर तापर जे हमें मार्कअप कर सला परे तापर हमें किछि सेलिंग करबा पई किछि डिस्काउंट दबा से डिस्काउंट दबा 30% कोन करियो हमें डिस्काउंट दबा डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट का ऊपर मार्केट प्राइस ऊपर डिस्काउंट कोन करा जाय कैलकुलेशन करा जाय तुम समस्त जानि छो मार्केट प्राइस ऊपर हमर डिस्काउंट कोन करा जाय कैलकुलेशन करा जाय काना कॉस्ट प्राइस ऊपर डिस्काउंट दिया जाय नथे मार्केट प्राइस ऊपर डिस्काउंट दिया जाय थे तान हमर मार्केट प्राइस रे वैल्यू हमें केते पाइले 140 पाइले आ सीपी केते पाइले लेट नितले केते 100 नितले क्लियर तापर देखो जते बेला हमें मार्केट प्राइस रो हमें डिस्काउंट दबा हमर कोन मिलबा हमकु हमकु सेलिंग प्राइस मिलबो तुम समझ जानि छो हमें जते बेला मार्केट प्राइस रो डिस्काउंट दबा हमकु कोन मिलबा सेलिंग प्राइस मिलबो तान हमें कोन करिया फाइन करिबा तान 140 रो हमें कोन करिबा 30% हमें कोन करिबा हमें काट दबा फर्स्ट क्लियर तने केते हो 42 हबो केते हो 42 तान 140 रो जते हमें 30% हमें काटिबा तान हमर 42 कोन होइ छ हमर डिस्काउंट वैल्यू ताने जे डिस्काउंट वैल्यू हमर केतला लिख देबा डिस्काउंट वैल्यू ओके एटा हमर डिस्काउंट वैल्यू एबे लिख देबा कोन सेलिंग प्राइस कोन लिखबा एसपी त शॉर्ट रे लिखबा सेलिंग प्राइस ओके तापर कोइ जे सेलिंग प्राइस हमें केमि काडिया ना मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट क्लियर मार्केट प्राइस हम जानि छन केते 140 ता दुर हमें कोन करबा 30% कोन करबा माइनस करबा बा डिस्काउंट दबा केते 42 दबा तान हमें केते पाइबा 90 टा हमें कोन पाइबा हमें सेलिंग प्राइस पाइबा केते पाइबा 98 सेलिंग प्राइस पाइबा तान एटा हमर कोन हैला सेलिंग प्राइस ओके विक्रय मूल्य क्लियर तापर कोई छी व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट तुम समस्त जानि छो जते बेला हमर लॉस हुए किबा हमर गेन हुए हमें सब बोले कॉस्ट प्राइस ऊपर कोन करथाओ डिपेंड करथाओ काईना
आम जापर जे गोटे जिनस को आम कत टे आते टकर बिकले आमर लस है कि गेन है प्रफिट है आम सब डिपेड क्या क्या सीप उपर डिपेंड कर तुमने देख आम सीपि नहीं कैसे हंड्रेड आमको सीपि नहीं थे हंड्रेड नहीं बट आम जो सेलिंग प्राइस काढ़े आम कैसे बाहर 98 कौन आम सेलिंग प्राइस बाहर अब्वियसली आम कौन लॉस है लॉस के ना आम दि टा कौन लॉस है बट से मागे परसेंटेज आमको मागे लिखीदा लॉस परसेंटेज कौन लिखा लॉस परसेंटेज क्लियर तिखा कौन ना इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सीपी इनटू 100 आउ थे कौन भले से बुझे जो आम लॉस परसेंटेज काढ़ा आम गेन परसेंटेज काढ़ा सब आम सीपी की कौन करवा बेस करवा कौन करवा सीपी की बेस करवा कहीं लस आउ प्रफिट अलवेज सीपी पर डिपेंड करता है लस आम के मत कह टू लस है सीपी के आमको सीपी आम कह 100 कह इंटू कौन कह 100 तुम टू परसेंट आम कौन लस है क्लीअर तमाम लस परसेंट के हम 2% कौन हम आम लस हम क्लीअर बुझे समस्ते हम समस्ते क्लीअरली नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे हाउ मच अमाउंट विल बी 9,992 इन 3 years एट 8% पर आनम देख से कहला आम एमाउंट कौन करवा फाइन करवा क्या उपरे ना 992 टाँग आम 3 वर्ष 8% रेट रे जदि आम कौन करवा टाँग इनभेस्ट करवा आम एमाउंट रैल्यू के हम कमी करवा देख आमको ये मेनसन करनी कंपाउंड इंटरेस्ट कि सिंपल इंटरेस्ट ओके किसी भी कही ना किसी कही क्वेश्चन ना किसी कही खाली कही हाउ मच अमाउंट विल बी 992 इन 3 years 8% पर आनम देख किसी कहीन मैंने आम कौन करवा सिंपल इंटरेस्ट आम कौन करवा कैलकुलेशन करवा ओके फास्ट लिख फास्ट आमको देखिए कौन प्रिंसिपल अमाउंट कौन कही यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट समझ जान लिखा पी पी के आमको देखिए 992 आमको क्वेश्चन ओके कही टाइम टाइम के बर्ष कही 3 years कही लिखीद टाइम ओके टाइम को आम टी लिखा ओके 3 years तापर कही रेट बा रेट को आम आर लिखा 8% आम लिखीद आर लिखा तमाम प्रिंसिपल दे टाइम देती आमको रेट देती कौन करवा आम कंपाउंड इंटरेस्ट काढ़ा कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट काढ़ा किसी मेनसन करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कि सिंपल इंटरेस्ट किसी कहीनी खाली आम कही हाउ मच अमाउंट विल बी 992 इन 3 years एट 8% पर आनम तमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर देख फास्ट कही एसआई काढ़ा कौन करवा एसआई बाको सर्ट्रे सिंपल इंटरेस्ट आम कह एसआई कहवा तेनाली यार फर्मुला गोटे समस्त जाच कौन जाच ना पी सहित प्रिंसिपल सहित आम टाइम को एंड रेट को जब आम मल्टीप्लाई करवा जदि 100 सहित कौन करवा डिवाइड करवा तमाम सिंपल इंटरेस्ट कौन आम आसीज तेना मत कह आमको क्वेश्चन आमको प्रिंसिपल अमाउंट देती टाइम भी आमको देट भी आमको देखिए इजिली फाइंड कर पार्बा कौन सिंपल इंटरेस्ट आम कौन कर इजिली फाइंड कर पार्बा तेना देख फास्ट लिखा के 992 इंटू टाइम के 3 years आमको रेट के 8% आमको क्वेश्चन देती डिवाइड बाय कौन करवा 100 करवा क्लीअर तापर एक आम कौन करवा मल्टीप्लाई करवा बुझे समस्ते लिखा 992 सहित जब आम कौन करवा 3 × 8 बाय 24 को जब आम कौन करवा मल्टीप्लाई करवा आम आसवे के 23,808 डिवाइड बाय के 100 हम तेन 23,808 आम जब कौन करवा 100 सहित कौन करवा डिवाइड करवा आम 238.08 आम कौन आसो सिंपल इंटरेस्ट आम आसो क्लीअर आउ थे कहे बुझ आमको प्रिंसिपल दे टाइम देती रेयर देती आम कौन कले एसआई काले एसआई कौन पी इंटू टी इंटू आरबे 100 कहते बाहर 238.8 आम सिंपल इंटरेस्ट आम पाइले क्लीअर बुझेगा एवं पिला 5 नंबर क्वेश्चन आम करवा कही द आवरेज एज अफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स 15 years कही ओके इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड आम टीचर एज कौन करवा एक्सक्लूडेड करवा बाहर करदे द आवरेज इज रिड्यूस बाय 1 year व्हाट इज द टीचर्स एज देख तेना मत कह लिखा कौन द आवरेज एज अफ 14 गर्ल कत अच्छी आमर 14 गर्ल्स एंड 15 वर्ष क्लीअर तेज 14 जन झील और जड़े टीचर कर आवरेज के 15 years कहे जदि आम टीचर को काढ़ीदे तेना मत कह ए बर्तमान आम के अच्छा 15 जन अच्छा मेम्बर ना तादेह 14 कौन अच्छा गर्ल्स अच्छा आउ 1 कौन अच्छा टीचर अच्छा क्लीअर तर आवरेज के 15 years कही आम कौन करवा जो बड़े टीचर को बयस कौन होवरेज कौन होन कौन हो रिड्यूस हो जाए तेना मत कह टीचर के 15 आवरेज प्लस तासत आवरेज रु कौन कह कमी तेने के 14 कमी तेने 29 आम हम टीचर इयर आउ थ भल से बुझ देख आम जानते 14 जन झील आउ जड़े टीचर आवरेज एज के 15 वर्ष आवरेज एज अच्छे जो आम टीचर को कौन करवा एक्सक्लूडेड करदे बाहर करदे आवरेज कौन होन कौन हो रिड्यूस हो जाए टीचर एज के आम इजिली जापर केमी जापर ना देख टीचर एज इज के हम ना 15 ता सहित 14 जो के 29 years क्लीअर
ତାହେଲେ ପନ୍ଦର ଇଏ ଚଉଦ କେତେ 29 ଇୟର୍ସର କ'ଣ ଥିଲେ ଟିଚର୍ସ ଥିଲେ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା ତମେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର କ'ଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ ବାହାରିଯିବେ ତାହେଲେ ଆଭରେଜ କ'ଣ ହେଉଛି ପନ୍ଦରରୁ ଚଉଦ ହେଇଯିବ କଥା ବୁଝୁଛ ନା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ ଚଉଦରୁ ପନ୍ଦରରୁ ଚଉଦ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆଭରେଜ କ'ଣ ୟାଙ୍କର ଏକ ଏକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଭରେଜରୁ କମିଯିବ ନା କମିଯିବନି ତାହେଲେ ପନ୍ଦର ଇଏ ତାଙ୍କର ଏକ ଏକ ସବୁରୁ କମିଯିବ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର ଠାରୁ ତାହେଲେ ଚଉଦ ତାହେଲେ 29 ବର୍ଷର ସେ ଟିଚର ଥିଲେ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ଥିଲା 29 ଇୟର୍ସ ଥିଲା କ୍ଲିୟର ତ ଭାବ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିଥିବ ଓକେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା ଲେଟ୍ କରିବାନି ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ସୁରେଶ ଆଣ୍ଡ ମହେଶ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ 800 and 1200 ରେସ୍ପେକ୍ଟଲି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ମହେଶ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ 108 ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ପ୍ରଫିଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଅଲୱେଜ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ତମର ରହିଥିବା ଦରକାର ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ଲେଖିବା ସୁରେଶ ଲେଖିବା ସୁରେଶ ଆଣ୍ଡ ମହେଶର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା ସୁରେଶ ଆଣ୍ଡ ମହେଶ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ କେତେ ଗୋଟେ 800 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହବ 1200 ଏଇଟା ହେଲା ସୁରେଶର ଏଇଟା ହେଲା ମହେଶର ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଓ କେତେ 800 ଇଷ୍ଟୁ କେତେ 1200 ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଫର୍ଦର ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ତାହେଲେ 8 ଇଷ୍ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 12 ହେଇଯିବ ତ କାଟିଲେ 2ର କାଟିନେ 3 2ର କାଟିନେ 6 2ର କାଟିନେ 4 3 6 ଓକେ 2ର କାଟିନେ 3 2ର କାଟିନେ 2 ତାହେଲେ 2 ଇଷ୍ଟୁ କେତେ ହବ 3 ହବ ତ ସେମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ବା ଆଇର ରେସିଓ କେତେ ହେଲା 2:3 ଓକେ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଛି ତାହେଲେ ଇଏ ବି 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ ରହିଛି 12 ମାସ ଇଏ ବି 1 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ରହିଛି ତାହେଲେ ରେସିଓ କେତେ 1:1 ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ପି କେତେ ହେଇଯିବ 2:3 ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା 2:3 ହବ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିଅଡ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ରେସିଓ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଲେଖିଦେବା କୁହ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 108 କାର ମହେଶର ପ୍ରଫିଟ୍ ତାହେଲେ ଲେଖିବା ମହେଶ ମହେଶ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ 108 ଏଇଟା ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ ମୋତେ କୁହ 3 କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା 3 ଏଇଟା କ'ଣ କି ଏଇଟା ହେଲା ସୁରେଶର ଏଇଟା ହେଲା ମହେଶର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ନା କ୍ଲିଅର ଏଇଟା ବୁଝୁ ସମସ୍ତେ ଥ୍ରୀର ତାର ରେସିଓ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବା ଏଠି 3ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ 108 ତାହେଲେ 1ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 108 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 3 ହବ ଅବଭିୟସ୍ଲି 339 318 36 ହବ ତାହେଲେ 36 ଇଜ୍ 1ର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖ ସତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି ଜିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ କପର ଆର୍ ଦ ରେସିଓ 5:3 କେତେ 400 ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଓ ଗୋଟେ ଆଲାଓ ଭିତରେ ହାଉ ମଚ୍ ଦ କପର ଗ୍ରାମ ସୁଡ୍ ବି ଆଡେଡ୍ ଟୁ ମିଲ୍ ଆଡେଡ୍ କେତେ 5:4 ହେଇଯିବ ଦେଖ ମୋତେ କୁହ ଏଇଟା ହେଲା ଇନିସିଆଲି ରେସିଓ ରେସିଓ ଅଫ୍ କାଟିଦିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ଇନିସିଆଲି ରେସିଓ ଅଫ୍ ଜିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ କପର କେତେ ଥିଲା ମୋତେ କୁହ 5:3 ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଓକେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଥିଲା ସେ ଆଲାଓର 400 ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆଲାଓରେ ଓକେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆଲାଓ ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଲାଓ ଓକେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ନା 400 ଗ୍ରାମ ଅଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଜିଙ୍କ ଅଛି ଆଉ କପର ଅଛି କେତେ ରେସିଓର ଅଛି ନା 5:3 ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏଇଟା ହେଲା ଆଲାଓ ଓକେ ଗୋଟେ ହେଲା ମିକ୍ସଚର ଓକେ ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର ତାପରେ କହୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହାଉ ମଚ୍ କପର ଇଜ୍ ଗ୍ରାମ ସୁଡ୍ ଆଡ୍ ଆମେ କପର କ'ଣ କରିବା ଆଡ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଜିଙ୍କ କପର ଏବେ ଇନିସିଆଲ ତାଙ୍କର ଥିଲା କେତେ 5:3 ଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଗଲା 5:4 ଅଛି କୁଶଲ ଆମକୁ ଦେଇଛି 5:4 କହିଛି ନା କହିନି 5:4 କହିଛି କାହାର କହିଛି କପର କହିଛି କପରକୁ ଆମେ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ମୋତେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜିଙ୍କର 5 ଥିଲା ଏଠି 5 ଅଛି ଜିଙ୍କର କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 3ରୁ କ'ଣ ହେଇଛି 4 ହେଇଛି ତାହେଲେ 1 ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ବା 1ର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି କାର କପରର ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଲା 5+3ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦେଇଛି କେତେ 400 ଗ୍ରାମ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବା 5+3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ଏଇଟ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି 400 ଗ୍ରାମ 1ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ ଆମର 50 ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାଗିଛି କେତେ ଲିଟର ନା ଆମ ମାନେ କପର କେତେ ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ଗ୍ରାମ ଆଡ୍ କଲେ ନା କପର ସୁଡ୍ ବି ଆଡେଡ୍ 50 ଗ୍ରାମ କେମିତି
वन यूनिट है ना तीन लु चार वन तार वन वैल्यू कत फिफ्टी हम कहीं एट यूनिट रैल्यू चार सौ ग्राम वन यूनिट रैल्यू कत फिफ्टी ग्राम तेज वन यूनिट रैल्यू ही पचास ग्राम कौन है कपर कौन कर आड होती रेसीो के फाइव इज टू फोर होगा फाइव इज टू थ्री थी फाइव इज टू फोर होगा क्लीअर बुझे समस्ते एवं जा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर आठ नंबर क्वेश्चन कौन कह विजय एंड अजय एंड सुरेश कैन डू ए वर्क के नाइन ट्वेल्व एंड एट्टन डेज रे कौन कर कंप्लीट कर लिखिद कौन लिखिद लिखिद विजय विजय के नाइन डेज ओके अजय के ट्वेल्व डेज तापर किए कर सुरेश के एट्टन डेज ओके विजय एंड अजय एंड सुरेश एम एलसीएम नहीं जावा तो मतलब कौ एलसीएम के सेवेन्टी टू नहीं जावा नर काटने के एट एफिशिएंसी बार काटने सिक्स एफिशिएंसी अठर काटने फोर एफिशिएंसी ओके यहाँ एफिशिएंसी कौन एटा एफिशिएंसी डेज ओके एफिशिएंसी ओके एफिशिएंसी डेज इन एफिशिएंसी है टोटल वर्क ठीक है यहाँ ओके देख आमर विजय कर नाइन डेज रे नो एफिशिएंसी टोटल आम बास्तरी वर्क कौन कर कंप्लीट कर अजय सर बार डेज रे कर सिक्स एफिशिएंसी बास्तरी वर्क कौन कर कंप्लीट कर दूसरी सर सुरेश सर अठर डेज रे चार यूनिट एफिशिएंसी बास्तरी काम कौन कर कंप्लीट कर दूसरी से मांगी जी दे वर्क टुगेदर देन व्हाट टाइम विल बी नीड कंप्लीट वर्क से टुगेदर समस्त मिसिकी एक बेले डे लिखा डे दे वर्क टुगेदर बुझे कौन बुझे टुगेदर ते मत कह टोटाल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी अरे तुम जो टाइम काढ़ टोटल वर्क सहित तुम कौन कर टोटल एफिशिएंसी कौन कर भाग दब ते सेवेन्टी टू डिवाइड बाय के आठ छः चौदह तारीख कत अठर अठर ते फोर डेज लगे तुमको समस्त एक बेले कम करेंगे तुमको फोर डेज नौ नंबर क्वेश्चन कौन कही इफ ए ट्रेन रन स्पीड के सिक्सटी किलोमीटर पर आवर देन व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर नाइन मिनिट तान मत गोटे कथा कह डिस्टेंस मागिचे तान तुम्हें मत कह स्पीड के आमको स्पीड के ट्रेन लो 60 किलोमीटर पर आवर टाइमिंग आम के 9 मिनट क्लियर आमको मागिचे डिस्टेंस ओके तान इजी लिखिपर डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू कौन स्पीड इंटु टाइम स्पीड के 60 इंटु टाइम टाइम के 9 मिनट को आम कौन कर 60 भाग दबा 9 किलोमीटर क्लियर तने 9 किलोमीटर आमर हिज बेटी करेक्ट आंसर तने डिस्टेंस इज एबे करबे एगना क्वेश्चन करिया कोई व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट 800 एट द रेट ऑफ 10% पर आनम 3 इयर्स 800 रंगर 10% पर आनम 3 इयर्स रो कंपाउंड नम कम देखो फर्स्ट कोइ छी आमे कंपाउंड इंटरेस्ट केमित काढिबा तमे समस्त जानि छो आमे कंपाउंड इंटरेस्ट रो केमित काढिबा ना अमाउंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कोन लिखिबा प्रिंसिपल जदि आम कंपाउंड इंटरेस्ट काढ़ाक हम तमुक अमाउंट मैं दरकार प्रिंसिपल आमको दरकार ओके क्लियर क्लियर तान देख तुम्हें समस्त बेसिक रे जाच अमाउंट फॉर्मूला पकईद पी इंटू वन प्लस आर हंड्रेड बाय टू पर एन अमाउंट फॉर्मूला तुम इजिली पकईद पी इंटू वन प्लस आर टू टू पार हंड्रेड टू पार एन एटा पकईद ओके अमाउंट तुम्हें काढ़ापी हेल्ले ना तुमको गोटे कौच देख ये मेथड कर देख फास्ट कही प्रिंसिपल के कह प्रिंसिपल के आठ सौ टाँग आमको देमको रेट आम के 10% आमको देमको टाइम के थ्री इयर्स आमको दे क्लीयर आम ये लिखिद कौन लिखिद लिखिद प्रिंसिपल अमाउंट लिखिद अमाउंट ओके तेज मत कह 10% सब्सट्रक्शन बोले एक बटे 10 नुह कि मत कह यहाँ ओरिजिनल यहाँ रिजल्ट जितेबाला प्रिंसिपल अमाउंट 10 थाए से अमाउंट कैसे हो जाए 11 हो जाए फर्स्ट इयर फोन सेकंड इयर 10 लुक कत जाए 11 हो जाए फोन थर्ड इयर 10 लुक कत जाए 11 हो जाए तमाम यहाँ तीन वर्ष फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर ओके प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ कौन अमाउंट ओके क्लियर तन मत कह तन मत तुम कह आम 10 लुक के 1000 यार के 1331 एमानों के भीतर गैपटा के 331 ही कौन कंपाउंड इंटरेस्ट बट आमको क्वेश्चन आम कौन दे क्वेश्चन आमको मैंने क्वेश्चन आमको कौन दे देख क्वेश्चन आठ सौ टाँग देखिए अलरेडी आठ सौ मैंने कौन कौन दे प्रिंसिपल अमाउंट देखिए लिखिद हजार यूनिट यूनिट हजार कौटा
एटा हजार एटा ला अमाउंट एटा प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यू हमको देछि कते 800 टका हमको देछि त 1 यूनिट वैल्यू कते हबो 800 डिवाइड बाय कते हबो 1000 हबो इनटू कोन कतबा 331 यूनिट कर दबा त 331 यूनिट यदि करि दबा त हमर परफेक्ट आंसर पळि आसीबो ना आसीबनि पिले को 0.8 रे हम यदि 331 गुण दबा ताने 264.8 हमारा कौन आसो कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर बुझे समस्ते बाबू समस्त क्लीयरली बुझे तुम्हें चाहिए कौन कर यही मेथड में कौन कर तुम पकड़ कि तुम काढ़ इजिली ओके अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आर पे 100 पावर एन एन मान टाइम आर मान रेट ओके बट मुझ तुमको कहीदेली रेसीओ मेथड रे तुम चाहिए एक्जाम आराम से लिखिकी धारा करके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 क
एबे करबा 12 नंबर क्वेश्चन इफ द सेविंग ऑफ हरीश 3000 पर मंथ 15% हिज सैलरी देन व्हाट इज एनुअल इनकम से कहि हरीश 3000 टका कोन करछि सेव करछि किंतु ता सैलरी रे से 15% कोन करछि सेव करछि ताने 3000 रो वैल्यू ही 15% तमे ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ी गी तमे बुझि परिबो ताने हम लेखो कोन लिखबा ना लिखबा हम कोन लिखबा हरीश हरीश टोटल इनकम टोटल इनकम इनकम इज कते 100% ता दियरु से कोन करछि सेविंग करछि ताने सेविंग्स इज 15% ताने मते को इनकम रु सेविंग्स गला ताने एक्सपेंडिचर केता हो तो मते को एक्सपेंडिचर केता हो तो हमर केता 85 रु तो एक्सपेंडिचर इनकम 100% सेविंग 15% ताने एक्सपेंडिचर केता हो 85% हो तो ना हो तो ने ताने हमको एक्सपेंडिचर वैल्यू किछ ठीक अड़बा आवश्यक नै बट मागी जे टोटल इनकम ताने मते को ए जो 15% रो वैल्यू हमको क्वेश्चन ले दै छी 3000 टंका के दै छी 3000 टंका ताने 1% रो वैल्यू हम इजीली काढ़ी परिबा केमिति लिखिबा 3000 डिवाइड बाय 15% इनटू कोन करतबा हमरो टोटल इनकम 100% परसेंटेज कोन कैंसिल आउट होला 15 कटने केते 2 30 200 ताने हो 20000 टका हमरो ता टोटल सैलरी ताने हरीश टोटल इनकम बा टोटल सैलरी इन 1 मंथ इन मंथ हिज कते हो 20000 क्लियर बुझे समस्ते 20000 राइट आंसर बुझेला भाव समस्ते क्लियरली बुझी पारथिबे कार भी किसी आज क्लास रे डाउट रही थी बनी भाबुची क्लियरली समस्ते बुझी पारथिबे ओके बट देखा पिला माने हमरो ये थिला सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो आज कर अरिथमेटिक रो सब क्वेश्चन समे डिस्कशन करले एई भलिया तमरो सब डिस्ट्रिक्ट रे हमरो कोन हबो सब क्वेश्चंस कोन करा जइबो डिस्कशन करा जइबो आबी जो तमरो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जामिनेशन तमरो डिसेंबर 15 रे हेबा को जाउची तारो एग्जाम रो जस्ट 45 डेज तम पाखर अछि सही डेट को हमें टारगेट करी कि हमरो उटे सीरीज हमें स्टार्ट करछु जे उथरे तमरो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम कोन करबो डिस्कशन करबो क्लियर बाबू जी आज क्लास रे कोपला मान कर किछि भी डाउट थिबो जदि भी कोपला मान कर किछि भी को क्वेश्चन डाउट थिबो हमको कमेंट सेक्शन ले जणेबे आउ जदि तुमको वीडियो माने वीडियो टी भल लागछि ताने तुमे हम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबो धन्यवाद।